देश के विभिन्न राज्यों में आज भी बारिश व ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फिर से ठंड बढ़ने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने भी भविष्यवाणी की है कि अगले दो दिनों तक बारिश होती रहेगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर में बदलाव देखने को मिला है। आज दिल्ली का AQI 318 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कुछ इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी और कुछ इलाकों में बहुत खराब श्रेणी तो कुछ इलाकों में खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। श्रृंखला की शुरुआत 6 फरवरी को अहमदाबाद में होगी, जो भारत के 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी अब श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इन एक हफ्ते के पृथकवास से ही गुजरना होगा और इनके बाद दो नेगेटिव RT-PCR नतीजों के बाद ही वे टीम से जुड़ सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को नोएडा पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वे ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में सपा और RLD समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नोएडा पहुंचेंगे और यहां पर प्रत्याशी सुनील चौधरी के समर्थन में डोर टू डोर लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। बीजेपी रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदीप बत्रा के कार्यालय का उद्घाटन करने रुड़की के रामनगर पहुंचे। इस दौरान CM धामी की जनसभा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हरिद्वार शहर की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल लोगों के बीच अलग अंदाज में पहुंच रही हैं। सरिता अग्रवाल लोगों को फूल देकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। रोहतास में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े दरीगांव थानाध्यक्ष को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। समस्तीपुर पुलिस ने दर्जनों बाइक लूटकांड का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग कर तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान युवकों ने दर्जनों बाइक लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। व्हाट्सएप आईफोन और एंड्रॉयड के लिए नए फीचर आ रहा है। इसके तहत यूजर्स को स्क्रीनशॉट डिटेक्शन की फैसिलिटी मिलने वाली है। साथ ही डिलीट फॉर एवरीवन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। इसके अलावा मैसेंजर की तरह नए इमोजी भी मिलेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने एक जीवित हृदय को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एम्स अस्पताल तक पहुँचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। उसके बाद एयरपोर्ट से एम्स महज 16 किलोमीटर की दूरी को 18 मिनट में तय किया गया।